ये साबुत मूंग है, इसे भूनकर इसका दाल तैयार करेंगे। इसमें मूंग डाल देंगे और इसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। इसके इसको चला चला के अच्छे से भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। 5 मिनट भूनने के बाद ये तैयार हो गया है, चटकने भी लगा है। ये लोरी है मसाला पीसने का। इससे ये देखिए ऐसे मूंग दाल तैयार करेंगे। दाल इसको पीस पीस कर इसका दाल निकाल देंगे। ये देखिए दाल निकलने लग गया है। ये जांता में बहुत आसानी से निकल जाता है, बट जांता बाहर है तो हमने बोरे पे कर लिया है, जो चावल का बोरा आता है ना उस पर कर लिया है। जब तक पूरी दाल अच्छी तरह निकल नहीं जाता है, छिलके से अलग नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस पर लोरी को चलाते रहेंगे इसके ऊपर। अब दाल लगभग दाल दिख रहा है, थोड़े बहुत छिलके दिख रहे हैं, तो इसको थाली में रख के इसको थाली में डालेंगे, फिर तो इसका छिलका निकालेंगे। डालने के बाद इसका छिलका निकालेंगे। डगरा में ये बहुत अच्छे से हो जाता है। ये जो भी छिलका था वो निकल गया है और दाल इधर है। इसी तरीके से हम सारे छिलके को निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने मूंग दाल तैयार कर लिया है और इसका छिलका यहाँ पे निकला है और ये मूंग दाल है। इससे आप पूरी बनाइए, मूंग दाल का पूरी भी बहुत टेस्टी होता है और दाल भी टेस्टी होता है। और ये 250 ग्राम मूंग है, इसे हम घुघनी बनाएंगे, तो इसको ज़्यादा फ्राई करते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, भूनेंगे। अब घुघनी के लिए ये मूंग है, इसको मैं हैंड पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे रब कर दूंगी कि ये फ्रेश हो जाए, जितना भी इसमें डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें डालूंगी 2 चम्मच सरसों तेल, 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटक गया है, अब इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें डाल दूंगी प्याज, 2 प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया था। चला दूंगी, इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच मिक्स मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक मसाला को पकाएंगे और फिर इसमें मूंग ऐड करेंगे। 2 मिनट मसाला फ्राई करने के बाद अब इसमें मूंग ऐड कर देते हैं, जो मूंग हमने फ्राई करके थोड़ा सा भून के रखा था। मूंग को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मसाले के साथ। आप इसमें धनिया पत्ता और टमाटर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। ज़रा मिक्स कर देते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 1 कटोरी मूंग दाल है और 2 कटोरी मैंने पानी डाला है इसमें। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी तक आने तक हम इसे पका लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। 2 सीटी लग गया है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और सीटी निकलने तक का वेट कर देते हैं। अब इसका सीटी निकल गया, अब इसे ओपन करके देख लेते हैं कैसा बना है हमारा। ये देखिए हमारा मूंग दाल तड़का रेडी है, बिल्कुल खिला खिला बना है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।